मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज सी गिवन ऑन पेज नंबर 11 वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक राउंडिंग ऑफ अ गिवन नंबर. ओके, द टॉपिक इज राउंडिंग of a given number. Before coming to the exercise, we should learn what is the meaning of rounding of a given number. Okay? आप first of all क्या सीखेंगे? Meaning of rounding of a given number. For example, consider there are two persons, A and B. कौन है दो persons? A and B. Now, consider one more thing. If I want to divide 100 rupees in both of these persons, then how shall I divide them? Simple. If I want to divide equally between A and B, the given sum or amount, then A and B both will get 50 rupees each. तो A और B को 100 rupees की सम में से अगर equally divide करके दिया जाए तो उन्हें क्या मिलेगा? 50 rupees each. 50 A ले जाएगा और 50 B ले जाएगा. It's simple. But what if, लेकिन क्या हो अगर, if there are three persons A, B and C and there is an amount of 1500. How will you divide equally among A, B and C? It's very easy. A will get 500, B will get 500 and similarly C will also get 500 rupees and the total sum of their shares, share of A is 500, similarly B and C get this equal amount. So 500, 500 and 500 is equal to 1500 rupees, right? Now you will ask, what is there? There's nothing to round off. Okay, I know. But you don't know one more thing. If I make 1500, 1600, then what will be their equal shares? Will you tell me now? 500, 500 and 500. Okay, 1500 is already distributed. 1500 तो आपने ऑलरेडी बांट दिया, कितने 100 और हैं आपके पास? 100 रुपीस मोर हैं, तो इट मींस आपको इन्हें 500 नहीं, कितना देना है? वी नो, लेट्स टेक एन एग्जांपल. 500 ए के पास हैं, 500 बी के पास हैं, 500 सी के पास हैं. ओके, 1500 तो खत्म हो गए, माइनस 1500 क्या है आपके पास? 100 रुपीस. सो नाउ सी, स्टिल 100 रुपीस आर रिमेनिंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमाउंग दीज पर्सन्स. अब भी 100 रुपीस बचे हैं इन्हें देने के लिए, तो आप क्या करेंगे पता है? 30 इसे देंगे, 30 इसे मिलेगा और 30 इसे मिलेगा. 530 हर एक का शेयर हो गया. ओके, नाउ ईच पर्सन विल गेट 530. अच्छा, नाउ प्लीज कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड. टोटल सम था 1600, हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इनमें ऑलरेडी? 1500. 100 रुपीस रिमेनिंग थे. अब इस 100 रुपीस में से भी आपने कितने और एक्स्ट्रा दिए हैं? 30, 30 एंड 30 मींस 30 रुपीस ईच.
टोटल 90, अब भी क्या बचेगा 10। नाउ यू हैव टू डिवाइड 10 अमाउंट दिस पर्संस। अब 10 को भी इक्वल हिस्से करके आप इन्हें बांटेंगे, तो व्हाट विल बी देयर शेयर नाउ, प्लस 5, सो 535 ईच का शेयर होगा, प्लस 5 इट मींस 535 प्लस 5 इट मींस 535 इज द शेयर ऑफ ईच पर्सन। स्टिल क्या आप कर पाएंगे ऐसा? 5 और 5 तो इसे दे देंगे, एक्स्ट्रा 5 कहां से आए? देयर इज ओनली 0 रुपीज लेफ्ट, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव देम 5 रुपीज मोर। आप 5 रुपीज मोर सिर्फ 2% में डिवाइड कर सकते हैं, पर थर्ड पर्सन को भी तो देना है, वो जिद्दी है, तो आप क्या करेंगे पता है? सिंपल, यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट डिवाइड देम एज यू हैव डन प्रीवियसली। 1600 की जगह हम इनमें सिर्फ 1500 रुपीज ही डिवाइड करेंगे, एंड द रिमेनिंग 100 कि कोई हम ऐसी चीज खरीद लेंगे जो तीनों में डिवाइड हो सके, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। आप 100 के भी तीन हिस्से करें तो 30 30 30 मीन्स 90, तो अब भी 10 रुपीज बचेगा, तो आप क्या करेंगे? 3 रुपीज 3 रुपीज 3 रुपीज, स्टिल 1 रुपी रिमेनिंग, और इससे नीचे की करेंसी चलती नहीं है कि आप इसे 30 पैसे 30 पैसे और 30 पैसे देते चले। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज करेंटली द 50 पैसा 20 पैसा एंड 75 पैसा डेनोमिनेशन आर आउट ऑफ डेट, मतलब वो प्रचलन से बाहर हो गई है, वो चालू नहीं है। आप किसी भी दुकान पे 50 पैसे नहीं ले जा सकते कि मुझे टॉफी दे दीजिए, अगर एक की दो आ रही है तो 50 पैसे की एक दे देगा, ऐसा नहीं है। सो हम क्या करेंगे, 1500 को इन सभी में डिवाइड कर देंगे, मीन्स 500 हर एक को मिलेगा, एंड 1500 क्लियर हो जाएंगे आपके, स्टिल जो 100 बचेंगे 1600 में से, ओके तो उसका क्या होगा? इस 1600 का 100 रुपीज जो रिमेनिंग है अभी, इसकी कोई ऐसी चीज परचेज करेंगे जो ए बी और सी तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाए, ओके तो दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ में हमने क्या किया, 1600 नहीं, उसकी जगह हमने तीनों को इक्वल शेयर के लिए 1500 लिया, दिस इज कॉल्ड राउंड ऑफ। आप उस एक्स्ट्रा रुपीज को किसी और काम में लगा सकते हैं और ये इक्वल शेयर उन तीनों में दे सकते हैं। सो यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, आप समझ चुके होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर आप तीन भाई बहन हैं और आपकी मम्मी ने एक रोटी बनाई है तो उन तीनों को हिस्से करने हैं बराबर, फिर भी अगर थोड़ा सा भी रह जाता है ना, उसके भी तीन बराबर हिस्से करने हैं, वो तो हो भी जाएंगे, बट इन द मैटर ऑफ मनी समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज रुपीस तो हम डिवाइड कर सकते हैं बट नॉट द पैसे बिकॉज दे आर डेनोमिनेशंस विच आर आउट ऑफ डेट, क्योंकि वो ऐसे डेनोमिनेशंस में अब हम उन्हें डिवाइड करेंगे जो आउट ऑफ डेट है। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस वन बाय वन। एक्सरसाइज सी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अप्रोप्रिएट वैल्यू टू द नियरेस्ट 10। देखिए आपको अब क्या है कि एक नंबर दी जा रही है, एक्सरसाइज सी क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ए, इट इज 107। आप क्या करेंगे पता है? फाइंड द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। दी गई नंबर की एप्रोप्रिएट वैल्यू निकालनी है, वो भी नियरेस्ट टेंस। एप्रोप्रिएट क्या होता है? जो पूरा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा कम रहता है। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहां देखा है आपने एक मशीन होती है, कुछ
पर तो आप वेट रखते हैं जो ऊपर नीचे तकड़ी के साथ हिलती है, बैलेंस जो होता है तराजू, बट आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन्स आ गई हैं जिसमें आप देख सकते हैं, या अपने पेट्रोल पंप में कभी पापा या मम्मी के साथ गए हैं तो वहां देखा होगा कि वहां अगर पेट्रोल है उसकी प्राइस लिखी हुई है, कीमत 71.52, तो ये तो रुपीज हैं, ये है पैसे। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पेट्रोल की। इससे ही अब हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे कि इसे बांटेंगे कैसे, मीन्स इसे कम से कम कितने रुपए तक लिया है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 72 रुपीज। मतलब आप पेट्रोल पंप पे 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और वो बोलता है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 71 रुपीज एंड 52 पैसे, तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि सर 71 रुपीज 52 पैसे की है, वो बोले कुछ कुछ 71 रुपए की है, 71 की है, तो वो 72 रुपीज लेगा आपसे, क्योंकि ये जो 52 पैसे है ना ये बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। आपको तो सिर्फ ये 52 पैसे लग रहे हैं कुछ नहीं, तो सोचिए वहां पर 100 कस्टमर्स आ गए तो इस 52 पैसे का क्या होगा जानते हैं आप? 52 पैसे का मतलब है 0.52 मल्टीप्लाई 100, और जब हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कस्टमर से मिलकर उसे 52 रुपीज एक्स्ट्रा मिले बिना बात के, मतलब फ्री। सो ये है प्रॉफिट जो वो लोग हमसे छुपाते हैं या आप उसे देख नहीं पाते हैं, उसे नेगलेक्ट कर देते हैं कि क्या जा रहा है हमारा 52 पैसे दे रहे हैं, कौन सा हम दे रहे हैं। उसने आपने से 71 नहीं लिए थे, 72 लिए थे, इतने रुपए वो 100 कस्टमर्स पे बचाता है। आप पूरे दिन गिनते गिनते थक जाएंगे कि कितने कस्टमर एक पेट्रोल पंप की सिर्फ एक ही मशीन पे आते हैं। तो आप सोचिए डीजल वाले पे आएगा, सीएनजी आएगी, एलपीजी आएगा, उन सभी पे इस पे डिफरेंस रहता है, तो कितने लोग उन सभी व्हीकल्स में पेट्रोल गैस डीजल डलवाते हैं, वो कुछ ना कुछ उसको प्रॉफिट एक्स्ट्रा देके जाते हैं। इतने रुपए का हमें कुछ नहीं मिला, उनमें से किसी को भी नहीं मिला। सो दिस इज द डिफरेंस। समझ गए राउंड ऑफ का मतलब क्या है? पेट्रोल पंप वाला आपसे इतने नहीं मांगेगा, वो आपसे इतने लेगा, तो उसको जो प्रॉफिट है 100 लोगों ने भरवा लिया तो 52 रुपीज एक्स्ट्रा मिले। तो ये है वो बात की अप्रोप्रिएट वैल्यू क्या है टू द नियरेस्ट टेंस। अब मैं से आपको क्लियरली से बताऊंगा, इट वॉज एन एग्जाम्पल सो लेट इट गो, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द गिवन क्वेश्चन 107। आपको इसको नियरेस्ट टेंस तक लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए नियरेस्ट टेंस मीन्स क्या है। वंस, टेंस, हंड्रेड, इसे हमने 3 कॉलम्स में रख लिया। सी आपने इस प्रीवियस क्लासेस में भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वंस और यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, तो अब आपको ये नंबर नियरेस्ट टेंस में लिखनी है। आपको दी गई नंबर है 107। ओके, इट मींस 100 प्लस 7। आप जानते हैं 7 10 के बहुत करीब है, देखिए 7 8 9 10, लेकिन अब मैं पूछूं 7 से वापस 1 पे आना है तो कितनी स्पेस छोड़नी पड़ेंगी या बीच में डिजिट्स, 7 6 5 4 3 2 1, तो कौन दूर हुआ? 1 दूर हो गया, बट 10 कितने पास में है? 10 इज वेरी नियर। सो इसको नियरेस्ट टेंस में आप क्या लिखेंगे पता है? 100 प्लस 7 नहीं, 10। सो 110, ये है आपका आंसर। तो आपको क्या करना है समझ आ रहा है? हल्का हल्का आ रहा होगा, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। कोई भी नंबर जब हमने इसमें वंस प्लेस को कंपेयर किया है और टेंस प्लेस तक लानी थी नियरेस्ट, तो हमने देखा वंस प्लेस पे डिजिट है 7, ये तो 7 है ना, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। नियरेस्ट 10 के पास आने के लिए इसे सिर्फ 2 डिजिट का फासला सहना पड़ा, लेकिन अगर इसे वापस जाकर 1 पे आना है तो कितनी डिजिट छोड़नी पड़ेगी? तो जो नियरेस्ट होता है सबसे पास में, ये होती है टेंस प्लेस पर लिखने के लिए वैल्यू। सो 107 बिकम्स 110 व्हेन इट इज राउंडेड ऑफ।
टू द नियरेस्ट टेंस. अगर हम इसको नियरेस्ट टेंस के पास राउंड ऑफ कर देते हैं तो 107, 110 बन जाएगी. सो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ये था. नाउ लेट्स कम टू अनदर एग्जाम्पल. लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर बी. फर्स्ट बी 315. अगेन कंपेयर करेंगे वंस टेंस हंड्रेड. जरा ध्यान से देखिए, नियरेस्ट टेंस कहलाना है लेकिन वन से शुरू करते हैं ना, तो 300 प्लस 15 है इस बार आपके पास. 15 किसके ज्यादा करीब है, 11 के या 20 के? आपको पता चलेगा नियरेस्ट कौन है, पता है? इसे ऐसे समझिए, ए से लेकर आपको बी तक एक रोड दे रखा है. क्या है? रोड. आप अभी ए से लेकर बी तक मान लीजिए ये 10 किलोमीटर है. कितना दूर है? अगर ए से हम बी तक जाएंगे तो 10 किलोमीटर है, तो वापस लौट के आएंगे तब भी कितना होगा? 10 किलोमीटर. चेंज तो नहीं हो जाएगा कि यहां से एलियंस उठा के यहां पे रख देंगे आपको? नो. सो इस रोड जो 10 किलोमीटर है, इसमें बॉय है. ओके, इट्स ए 10 किलोमीटर रोड. इस पे एक बॉय चलना स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, और वो चलते चलते पहुंच जाता है 5 किलोमीटर पे. ओके स्टूडेंट्स, सो 1 किलोमीटर से वो कहां पे आया? 5 किलोमीटर पे. और 5 किलोमीटर से उसे कहां जाना है? 10 किलोमीटर पे. अब वो थक गया है, वो कह रहा है मैं आगे नहीं जाऊंगा, तो पीछे जाएगा. तब भी कितने किलोमीटर है आपको पता है? 5. वो आगे जाएगा तब भी कितने किलोमीटर है? 5. अगर वो घर ही जाना चाहता है तब भी उसके लिए 5 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर से आगे जाना चाहता है तो मान लीजिए यहां पर उसके फ्रेंड का घर है, फ्रेंड्स होम, और यहां पर उसका ओन होम है, अपना घर. तो दोनों ही 5 किलोमीटर है, फिर तो अपने फ्रेंड के यहां से जाना चाहिए. तो इसी तरह से आपको यहां पर देखना है अब कि 300 में 15 जोड़कर आपको दिया है 315. राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस. तो 15 सबसे करीबी टेंस के पास कौन सा है, 11 के पास या 20 के पास? ऑफिशियली 315 पास में है इस 10 और 20 में से दोनों के. आप चाहें तो इस 315 को अब 310 भी लिख सकते हैं या 320 भी लिख सकते हैं. इट्स अप टू यू. सो इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल मेरे हिसाब से, कि आप चाहें तो इसे 315 की जगह 310 भी लिख सकते हैं या 320 लिख सकते हैं, और दोनों ही आंसर्स सही माने जाएंगे क्योंकि वो दोनों ही 10 से और 20 से बस 5 किलोमीटर बीच में फंसा हुआ है. ओके, इज इट क्लियर? तो आपके आंसर्स होंगे द नियरेस्ट टेंस 310 या 320. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और सीखते हैं नियरेस्ट 100. See, nearest 100 is also very easy. Nearest 100 में second question on page number 12. अब आपको nearest 100 लाना है. First example है 527. और nearest 100 आप समझते हैं जैसे nearest tens था, वैसे अब हम nearest हंड्रेड्स के लिए लिखेंगे.
और नियरेस्ट 100 क्या कहता है? सी कितना है आपके पास? 500 प्लस 27। अब मैं आपसे पूछूं, एक मेंढक है, ओके, फ्रॉग, ये 500 से 600 पे जाना चाहता है, लेकिन अभी ये 527 पे रुका हुआ है। स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? 500 से। स्टॉप कहाँ पे कर रहा है? 527 पे। लेकिन पहुंचना कहाँ है? ये है इसका गोल। गोल समझते हैं आप? ये इसकी मंजिल है, बस यहां तक उसे पहुंचना है। जैसे मूवीज में क्या होता है, कोई किसी बच्चे को बचाकर उसके घर तक छोड़ के आएगा, उसने यहां से स्टार्ट किया था, यहां से रुक गया है, बीच में जंगल है, यहां से उसे गोल तक पहुंचना है। लेकिन इसके लिए आसान नहीं है, तो वो क्या करता है? वो थक गया है, क्योंकि ये रियल हीरो नहीं है। सो आप बताइए, 500 से 600 पास में पड़ेगा, वो इक्वल रहेगा, क्योंकि 500 से 600 कितना किलोमीटर फार अवे है? 100। चाहे यहां से वहां तक जाइए, वहां से यहां तक आइए, टोटल कितना है? 100। ठीक है, बीच में कितना डिफरेंस है? 100 का। वैसे भी सोचिए, 500 और 100 कितने हो गए? 600। बट वो बंदा कहाँ रुका हुआ है? एट 527। अब इसे लौटना है, तो कौन सा पास में पड़ेगा, 500 या 600? सी 27 है। अगर ये 550 भी होता तो ये 600 पे भी जा सकता था और 500 पे भी, क्योंकि हाफ डिस्टेंस है, बट ऐसा नहीं है, अब कम है। सो ये सबसे करीब कौन सा रहेगा आप जानते हैं? इट्स वेरी क्लियर, 500 तक राउंड ऑफ होगा ये। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो यही है राउंडिंग ऑफ का रूल। नाउ लेट्स कम टू नियरेस्ट 1000। आपको बस ये याद रखना है कि आप एक जगह से चलना चालू कर रहे हैं और आप आधे रास्ते में पहुंच रहे हैं, तो आपके लिए दोनों भी जगह कैसी रहेंगी? इक्वल रहेंगी। बट आप थोड़ा सा कम चले हैं और पहले जहां से चले थे उसके पास में खड़े हैं, तो अब वो दूर रहेगा ना, तो नियरेस्ट कौन सा होगा? यहाँ जो पहले है। तो 27 के पास में 600 आएगा या फिर 500 आएगा? ऑफकोर्स 500 आएगा। जरा सोचना अभी कितने कदम चलने पड़ेंगे उसे, 73 स्टेप्स चलने पड़ेंगे तब 600 पे पहुंचेगा। ये थक गया है, तो 27 से इजीली लौट सकता है ना 500 पे। सो दिस इज कॉल्ड नियरेस्ट 100 एंड नाउ इट्स टाइम फॉर नियरेस्ट 1000। सो लेट्स टेक द एग्जांपल नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड पार्ट ए, 3241। और अब आपको क्या करना है? नियरेस्ट 1000। टेंस पढ़ लिया, हंड्रेड्स पढ़ लिया, थाउजेंड की बारी। सो हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर? 3000 प्लस 241। इसे सेपरेट कर लेते हैं। मैंने आपको हर एक स्टेप में यही सिखाया है, जब नियरेस्ट टेंस था तो टेंस अलग कर लिया था, हंड्रेड्स था तो हंड्रेड अलग कर लिए थे मैंने, अब नियरेस्ट 1000 है तो मैंने किसे अलग कर लिया है? 1000। सी वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो 3000 अलग है और 241 अलग है। अब मुझे ये बताइए, 3000 से 4000 तक जाना है किसी को, और वो अभी कहाँ फंसा हुआ है पता है आपको? 3241। स्टार्ट, स्टॉप, गोल, गोल मीन्स जहां पहुंचना है मंजिल। तो अब बताइए मुझे, वो यहां से यहां तक चल चुका है और इतना रास्ता भी बचा है, लेकिन वो बोल रहा है मैं थक गया, तो अब वो 3000 पे आएगा या 4000 पे आएगा? डिस्टेंस को ध्यान से देखिए, 241 चल चुका है वो, अभी कितना बढ़ना पड़ेगा 4000 के लिए पता है आपको? 759 किलोमीटर आगे बढ़ना है उसे। तो ये ज्यादा है या ये और वो थक गया है तो ज्यादा चलेगा या कम? तो नियरेस्ट 1000 क्या होगा, 4000 या 3? इजी,
241 पास में है, 759 बहुत ज्यादा है, तो वो इसे नहीं चूज करेगा। किसे चूज करेगा? इसे, क्योंकि ये आलसी है। सो द नियरेस्ट 1000 इज 3000, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो इट वॉज अ वेरी इजी मेथड टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। So, it's enough for today. Stay safe, stay home. And one more thing, you are using electronic devices very much these days. Your parents are complaining us. So, it's your moral duty to obey your parents. And one more thing, please avoid using electronic devices, not completely, but not for a longer time, because it will damage your eyes. If you read the newspaper, or if you have read the newspaper of yesterday, then see there is a column properly defined that due to online classes and online gaming and other type of activity, you are using Facebook, WhatsApp. I know you can use it like YouTube also. You can adhere to YouTube, but don't use them so much. It's damaging your physical health. Keep yourself busy in physical activities as much as you can. In the evening or in the morning, please go for a jogging or a little walk, and please properly wear your mask if you are going outside. Even these days, it's not safe. So again, I am warning you, keep yourself busy in games, physical games. Thank you.